नमस्कार दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं रेस्टोरेंट स्टाइल दाल मखनी, जो बहुत ही टेस्टी बनती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए बनाते हैं दाल मखनी रेस्टोरेंट स्टाइल। देखिए, सबसे पहले हमें चाहिए काली उड़द दाल, जिसे हम काले माँ की दाल भी बोलते हैं। मैंने एक कटोरी काले माँ की दाल ली है और 1/4 राजमा लिया है। दोनों को मैंने 4 से 5 घंटे भिगो के रखा है। आप चाहें तो ओवरनाइट भिगो के भी रख सकते हैं। दोनों अच्छे से फूल गए हैं, अब मैं इनको उबालने जा रही हूँ। मैं उड़द की दाल डाल रही हूँ, राजमा और एक मीडियम साइज प्याज मैं इसके साथ उबालते हुए डाल लूँगी। इससे क्या होगा, इसका टेस्ट जो है ना बहुत डिफरेंट और अच्छा लगेगा। ये मैंने पानी डाल दिया है और 1 चम्मच इसमें घी डाल लूँगी। 1 चम्मच हम उबालने में नमक डालेंगे। अच्छा, मैंने सारा ये डाल दिया है, अब मैं 4 से 5 सीटियाँ इसको लगवाऊंगी। प्याज ऑप्शनल है, अगर आप नहीं डालना चाहते प्याज तो ना डालें, लेकिन इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं प्याज डाल रही हूँ। हमारी कढ़ाई गर्म हो गई है, अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा घी। थोड़ा सा बटर। ये देखिए, बटर हमारा पिघल गया है। अब हम इसमें डालेंगे ग्रेट किया हुआ अदरक, लहसुन कूटा हुआ, आप चाहें तो पेस्ट भी डाल सकते हैं। इसे अच्छे से भूनेंगे। अदरक और लहसुन अच्छे से, ये देखिए, अब इसमें डालेंगे मीडियम 4 टमाटर की प्यूरी। इसको मिक्स करेंगे। अब इस प्यूरी में डालेंगे हम थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, क्योंकि हमने पहले भी नमक डाला था उबालने में, तो थोड़ा ही डालेंगे अभी। गरम मसाला और मिक्स करेंगे। अब इसे अच्छे से पकने देंगे। अब हम थोड़ी सी लाल मिर्च डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब देखिए, हमारा जो मसाला है वो अच्छे से तैयार हो गया है, भुन गया है अच्छे से। अब हम इसमें दाल डालेंगे। इसको इस तरह से थोड़ा सा मैश करेंगे। ये देखिए, इस तरह से मैश करेंगे। आप चाहें तो कुकर में ही मैश कर सकते हैं। इस तरह से देखिए, इस तरह से चलाते हुए कुकर में ही आप मैश कर लें थोड़ी सी ना दाल को, ताकि इसका थोड़ा सा गाढ़ा टेक्सचर आए। इस तरह से देखिए, इस तरह से मैश कर रही हूँ मैं। ये देखिए, हमने इसमें उबालने में प्याज डाला था एक, तो उसके जो थोड़ा सा रह गया है ना मैश होने के लिए, उसको इस तरह से हमने निकालना है, मैश करना है इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से इसको अच्छे से, ये देखिए, इस तरह से जो भी उसका प्याज का हिस्सा रह गया ना, उसको हमने इस तरह से निकालना है, इसमें डाल के इस तरह से मैश कर देना है। और अब हम पूरी दाल इस तरह से डाल देंगे। ये
और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे इस तरह से मैश करते हुए हल्का हल्का। अब इसे थोड़ा सा गाढ़ा होने देंगे। ये देखिए दाल कितनी अच्छी पक गई है हमारी और कितना अच्छा इसका टेक्सचर लग रहा है, देखिए एकदम गाढ़ा गाढ़ा। अब हम इसमें क्रीम डाल लेंगे, ये देखिए, और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे क्रीम डाल के। क्रीम डालने के बाद इसका रंग एकदम चेंज हो जाएगा, ये देखिए कैसे हो गया इसका रंग। और इसके बिल्कुल हल्की गैस पे अब पकने देंगे। मैंने गैस बिल्कुल हल्की कर दी है क्योंकि हमारे जो दाल है ना एकदम रेडी हो चुकी थी। बस रेडी होने के बाद हमने इसमें क्रीम मिक्स कर दी है। क्रीम मिक्स करने के बाद इसे ज़्यादा आंच पे नहीं रखना है, बिल्कुल कम आंच पे हिलाते रहना है इस तरह से। देखिए कितना प्यारा कलर आ रहा है क्रीम डालने के बाद। अब हम इसमें डाल लेंगे तड़का। दूसरी साइड पैन रख लिया है, इस साइड हमारी दाल जो है हल्की हल्की भुन रही है और इस साइड हमने पैन रख लिया है गर्म करने के लिए। अब इसमें हम थोड़ा सा घी डाल लेंगे। अब देखिए इतना हम तकरीबन बटर डाल लेंगे क्योंकि ये हम बना रहे हैं दाल मखनी, तो इसमें बटर का जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है और इसके लिए बटर भी बहुत ज़रूरी है। बटर को हमें जलाना नहीं है, बस गिलाना है। ये देखिए हमारा बटर जो है पिघल गया है। थोड़ा सा हींग डाल लेंगे, ये इस तरह से हींग डाल लिया हमने। थोड़ी सी हम डाल लेंगे इसमें लाल मिर्च, देगी लाल मिर्च जिसे बोलते हैं हम, और इसे मिक्स करेंगे। इसके बाद हम डालेंगे इसमें कसूरी मेथी तकरीबन इतनी, देखिए इसको अच्छे से रब करके डाल देंगे। मैंने रोस्टेड ली थी थोड़ी सी कसूरी मेथी, इसको ज़्यादा भी नहीं डालना है। अगर हम ज़्यादा कसूरी मेथी डालेंगे तो इसका कड़वा टेस्ट आ सकता है, इसलिए थोड़ी सी डालनी है जिससे इसका टेस्ट खिल के आए। अब ये हमारा तड़का तैयार है, देखिए। अब इसको हमने, ये देखिए इस तरह से इसमें मिक्स कर देना है, ये देखिए ये। अब इसको हम मिलाएंगे, ये देखिए कितना अच्छा कलर आ रहा है, देखिए ये देखिए, वाओ इस तरह से। इसका जो फ्लेवर है ना बहुत अच्छा आता है, जो इस तरह से हम तड़का बना के इसमें डालते हैं ना उसका फ्लेवर ही बहुत अच्छा आता है। ये देखिए इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। हमारी दाल मखनी बनकर तैयार है, देखिए देखिए कितनी गाढ़ी गाढ़ी और कितना क्रीमी टेक्सचर आ रहा है इसका, देखिए ये देखिए। अब हम थोड़ा सा मक्खन, ये देखिए वो डाल रहे हैं जिससे इसका टेस्ट और खिल के आएगा। ये देखिए मक्खन इसमें बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये दाल मखनी है तो इसमें मक्खन का टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। ये इस तरह से हमें मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी दाल मखनी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें कि आपको मेरी दाल मखनी कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।